हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एमओडी का दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के बारे में बात किया, क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड के सीबीएसई या यूपी जो भी है, आईसीएसई जो भी अपने बोर्ड या यूपी बोर्ड जो भी आपका या जो भी स्टेट बोर्ड है उस बोर्ड के बेसिस पे हमने बात किया कि बोर्ड के बेसिस पे सवाल कैसे आएंगे। लेकिन अब भी जो है थोड़ा उसको एक्सटेंडेड फॉर्म यानी अब उसका लेवल बढ़ाएंगे, अब आईआईटी के लेवल पे लेके बात करेंगे। यानी अब हम एमओडी को ही अब हम एमओडी के सारे सवालों को थोड़ा और आगे और एक्सटेंडेड और थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। जैसे सवाल अपने पास दिए रहेंगे तो उन सवालों को कैसे डेरिवेटिव निकालना है, अलग अलग तरह के सवालों का मेथड कुछ अलग अलग होगा। बाकी तो आपने खूब डेरिवेटिव यानी खूब आपने डिफरेंशिएशन किया है, आपका सबसे फेवरेट सबसे पसंदीदा पार्ट होता है डिफरेंशिएट करना। मतलब जैसे लिमिट आता है सवाल और जीरो बाय जीरो या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म आप देखते हो तो आपके मन में तुरंत आप बोलते हो अरे सर जी यहां यानी डेरिवेटिव लिमिट लगा दो, यानी डिफरेंशिएट कर दो, लॉपिटल लगा दो सर। मतलब आपको मजा आता है डिफरेंशिएट करने में, वो जगह है जिसमें आपको बहुत मजा आता है। चलो उसी को मजा को बरकरार रखते थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आपके सामने एक छोटा सा बस हम कह रहे हैं कि जैसे मान लो ये खूब इसका यूज होगा, y इज इक्वल टू लिखा हुआ है log वन प्लस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अगर ऐसा है तो इसका dy बाई dx बता दो कि कितना होगा। ये आपसे पूछा कि इसका dy बाई dx बता दो कितना होगा। एक बात और है, हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। यानी जो डिफरेंशिएशन में जो आंसर आया है उस आंसर को इंटीग्रेट करोगे तो जिसका डिफरेंशिएशन किए थे वो उल्टा वापस वही मिलना चाहिए था। तो ऐसा भी हम करेंगे कि अगर हमको इसका डिफरेंशिएशन याद है कुछ कुछ चीज, जैसे मान लो कि कुछ कुछ चीजों का, जैसे आपको कहता होगा कि साइन एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा तो आप उल्टा सोचते हो कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स किसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स होता है तो आप बोलते हो माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स होता है, यानी साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो जाएगा तो आप उल्टा सोचते हो। तो वैसे ही अगर बहुत सारे यहाँ पे वो जगह है जहां पे बहुत सारी जगह चीजें आएंगी, मैं बोलूंगा इसको आप याद कर लेना, याद करोगे तो जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे वहां के लिए चीजें आसान हो जाएंगी, वहां पे हम डायरेक्ट बोल सकते हैं। तो मान लो y ये दे रखा है आपसे dy / dx पूछ रहा था, देखो एक बार के लिए चेन रूल लगेगा, स्टिल चेन रूल लगेगा। तो dy / dx जरा निकाल के बता दो मुझे क्या निकलेगा, चेन रूल लगेगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू, अब हम लॉग का हो गया उसके अंदर गए, पहली मुलाकात हुई 1 से x से तो x का डिफरेंशिएशन 1, फिर उसकी अगली मुलाकात हमारी अंडर रूट से हुई तो उस अंडर रूट का 2 x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, फिर उसके अंदर गए तो x स्क्वायर से मुलाकात हुई उसकी 2x प्लस फिर a स्क्वायर का कांस्टेंट है तो इसका हो गया 0। ये अपना आ गया dy / dx, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लिया जाए, x प्लस अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर उसके बाद इनटू, फिर यहाँ पे 1 प्लस एक काम कर लिया गया 2 से 2 तो कट गया, एलसीएम ले लिया जाए, एलसीएम लेते ही हो गया अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ पे अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x, बोलो बच्चों ये हुआ। ओहो क्या शानदार सी बात बन गई, इसको जरा ध्यान से देखो तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया तो ये बन गया आपका dy / dx इज इक्वल टू, ये बन गया 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, बस यही इसका आंसर है। तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अगर कोई ये पूछ दे कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा तो हम फटाफट बोल देंगे कि log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। एक ये सवाल हमने कर लिया, बहुत आसान से सवाल है। जैसे कुछ और एक सवालों पे हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा देखो एकदम सिंपल मैं सवाल लेकर चल रहा हूं, एकदम सिंपल। जैसे मैंने कहा कि आपके पास एफ एक्स इक्वल टू है x की पावर 4 प्लस cos x, ठीक है, x की पावर 4 प्लस cos x, इसका डेरिवेटिव निकालना है dy / dx यानी f - x निकालना है। जरा इसका f - x देखो तो f - x निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4x क्यूब माइनस sin x, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, ठीक है। अब एक बात मैं पूछ रहा हूं, जरा बताओ कि f(x) कैसा फंक्शन, यहां पे जरा एक चीज देखते हैं हेयर,
देखो एफ एक्स को इवेन है कि ऑड, हम पूछना चाहते हैं कि एफ एक्स कैसा फंक्शन है, इवेन या ऑड। आपको याद होगा कि मैंने आपको फंक्शन में बात लिखाया था कि एफ एक्स अगर कोई फंक्शन इवेन है तो उसका डेरिवेटिव ऑड हो जाएगा, और एफ एक्स कोई फंक्शन ऑड है तो उसका डेरिवेटिव इवेन हो जाएगा। उसी को चेक कर रहे हैं, दोबारा याद दिला रहे हैं एफ एक्स कैसा फंक्शन है। तो इसको चेक करने के लिए एफ ऑफ माइनस एक्स सॉरी रखा गया माइनस एक्स का पावर 4 प्लस कॉस ऑफ माइनस एक्स, और ये फाइनली आया एफ ऑफ माइनस एक्स आया, एक्स की पावर 4 प्लस कॉस माइनस को खा जाता है तो ये कॉस ऑफ एक्स दे दिया, ये अगेन एफ एक्स के बराबर हो गया, मतलब इवेन फंक्शन, मतलब एफ एक्स तो इवेन फंक्शन आ गया। जरा एफ डैश एक्स के बारे में ख्याल करते हैं कि एफ डैश एक्स क्या है। एफ डैश एक्स के लिए चेक करना है तो एफ डैश एक्स की जगह पे माइनस एक्स डाला तो ये हो गया 4 ऑफ माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 4 एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स, और फिर एक माइनस हमने कॉमन कर लिया तो 4 एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स, ओहो माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया, एफ डैश इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एफ डैश एक्स के बराबर आ गया। क्या ये ऑड फंक्शन हो गया, क्या मतलब इवेन फंक्शन का डेरिवेटिव ऑड। तो यहाँ पे एक बात हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ इंपॉर्टेंट डाल के लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ इवेन फंक्शन, यानी इवेन फंक्शन होगा तो उसका डेरिवेटिव ऑफ इवेन फंक्शन इज ऑड, एंड डेरिवेटिव ऑफ ऑड फंक्शन इज इवेन, यानी ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव इवेन होगा और इवेन फंक्शन का डेरिवेटिव ऑड हो जाएगा। तो आपका तो डेरिवेटिव ऑफ एन ऑड फंक्शन इज इवेन। तो ये हमने देख रहा था कि जैसे देखो यहाँ पे अगर कोई हम ऐसे ही ऑड फंक्शन भी लेकर डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव जो होगा उसको देखेंगे चेक करेंगे तो एक इवेन फंक्शन आएगा। अगर इसी के बेसिस पे मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं कि लाइक इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन एंड मान लो दे रखा है एफ डैश माइनस 3 इक्वल टू 5 देन फाइंड एफ ऑफ प्लस 3 की वैल्यू क्या होगी। देखो कितना आसान सी बात है, इसको सोचने की बस बात है, सोचने की देरी है। क्या बोला है सवाल है कि फंक्शन जो है कैसा है, फंक्शन कैसा है, एफ एक्स कैसा है, ऑड फंक्शन है। यहाँ पे f-3 आपने से मांग रहा है। जरा एक बात और देखो, अपने से पास क्या दिया है, f-3 की वैल्यू 5 दे रखा है, f-3 तो यहाँ पे दे रखा है। तो हम f-x ऑड फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव f-x क्या हो जाएगा, बोलो तो बच्चों, ये एक कैसा हो जाएगा, इवेन फंक्शन। डेरिवेटिव कैसा हो जाएगा, इवेन फंक्शन। और इवेन फंक्शन की प्रॉपर्टी कुछ ऐसी होती है कि f-x = f(x), मतलब उसमें माइनस पुट करो सेम वैल्यू के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू सेम दे जाता है क्योंकि ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। इवेन फंक्शन आपको बताया गया था वहां पे, ये आ गया। फिर जरा देखो अपने पास इसका मतलब x के जगह पे 3 पुट कर देते हैं, तो अगर x के जगह पे 3 पुट कर देंगे तो ये f-3 = f-3 हो जाएगा। और सवाल अपनी तरफ से खुद से चल के 5 दे रखा है f-3 की वैल्यू, यानी f-3 की वैल्यू दे रखा है 5, तो इसलिए हो गया f-3 = आपका 5। बोलो बच्चों बात समझ में आ गई कि f-3 की वैल्यू भी 5 हो गई। तो ध्यान रखना कि सवाल देने वाला क्या देता है, वो सिंपल अगर ऑड इवन लिख दिया और डेरिवेटिव की बात किया है, ऑड इवन लिखकर डेरिवेटिव की बात किया है, मतलब वो आपके का ध्यान इस तरफ मोड़ना चाहता है कि इसके f-x के बारे में क्या ख्याल है, f-x इवन होगा या ऑड होगा या कैसा होगा, उसके बारे में सोच के ही वो सवाल देना चाहता है। तो जरूर आपके दिमाग में एक बार आने चाहिए अगर f(x) ऑड देखें और डेरिवेटिव देखें, ऑड या इवन देखें और डेरिवेटिव देखें, मतलब इसके डेरिवेटिव के इवन ऑड होने की बात करेगा। बात समझ में आ रही बच्चों, ध्यान रहे, बिल्कुल बहुत ही कंसंट्रेट
एक्यूरेट रहना इन सब चीजों को, कि एक एक बात को ध्यान रखना। और जरा सा और आगे सवाल करते हैं, और इस बोर्ड को पहले हमें हटाना पड़ेगा, बोर्ड साफ करना पड़ेगा। तो और बच्चों थोड़ा सा अब इस सवाल का लेवल बढ़ाते हैं, अपने सवाल का क्या, बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट का थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। जैसे मैं उससे पहले लेवल बढ़ाने से पहले आपके सामने थोड़ी छोटी सी एक बात बस आपके सामने रखना चाहता हूं, जैसे कि अगर कभी लिखा हो इस टाइप की चीज कि इफ जीएक्स इज इनवर्स ऑफ, जीएक्स इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो अगर हम इसका मतलब समझे तो इसका मतलब होता है कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसका मतलब होता है कि जी, इसका मतलब ये होता है जी इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, जी एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स, तो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, इसका मतलब यह होता है कि f इनवर्स x इज इक्वल टू जी एक्स। या अगर ये लिखा गया है तो इसका मतलब ये भी हम लिख सकते हैं कि अगर जैसे दो फंक्शन में से एक फंक्शन दूसरे का इनवर्स है तो दूसरा वाला पहले का इनवर्स होगा। यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि g इनवर्स x इज इक्वल टू f ऑफ x। यहां से इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब ये हो गया, देखो f को उधर भेजेंगे तो बच जाएगा x इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। यहां से देखो g को उधर भेजेंगे तो x इज इक्वल टू बचेगा g ऑफ f ऑफ x। मतलब अगर आपके सामने, अगर आपके सामने पहली बात है, दूसरी बात अगर मैं रखूं कि कभी आपके सामने ये मिल जाए कि f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू, जो कि हम इनवर्स फंक्शन में पढ़ चुके हैं, g ऑफ x इज इक्वल टू x, जिसको कि हमने आपको बताया था कि आइडेंटिटी फंक्शन है, तो अगर ऐसा मिल जाए तो हम कहेंगे कि यहां से कि f एंड g आर क्या बोलेंगे, f एंड g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये बात हम इस समय बोलेंगे कि वो एक दूसरे के इनवर्स है। और इसमें दो बातें हम लिख सकते हैं कि अगर ऐसे हैं तो हम लिख सकते हैं कि f ऑफ g ऑफ x बराबर x लिख सकते हैं, या g ऑफ f ऑफ x बराबर x लिख सकते हैं। दोनों ही बात लिखने में कोई दिक्कत नहीं है अपने को। लेकिन सर जी इतना सब बताने से मतलब क्या है, तो मतलब अब आपका, आपका अब आएगा काम का तीसरा नंबर का पॉइंट कि देखो कि कभी आपके सामने मान लो सवाल में लिखा है कि एफ एक्स इज इनवर्स ऑफ या जी एक्स, ऐसे लिखा हो जी एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स, देन फाइंड, पहला अगर मान लो इसमें पूछता है पहला कि देन फाइंड जी डैश एक्स एंड दूसरा आपका g डबल डैश x, तो कैसे निकालेंगे सर हम इसके लिए। तो पहली जो लाइन है, ये जो पहली लाइन है, इस लाइन का मतलब ही यही होता है कि f g का इनवर्स या g f का इनवर्स है, मतलब f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू x, या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू x, एक ही बात होती है ऐसा कहने का। अब हमको g डैश x चाहिए तो पहले हमें g डैश तक पहुंचने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। तो यहां आओ अपन लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या मिल जाएगा, देखो पहले x, पहले से चेन रूल लगेगा, सबसे पहले f का डिफ्रेंशिएशन f डैश, बाकी अंदर में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, जो है वैसे ही रहेगा, इनटू फिर उसके अंदर गए तो ये g डैश x, और ये अब फिर उसके अंदर गए तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 बराबर 1। तो यहां से क्या मिला बच्चों अपने को, पहला जो पूछा था g डैश x बराबर अपने पास मिल गया 1 अपॉन f डैश gx, ये बात अपने को मिल गई। अब अगर हम दूसरे की बात करें g डबल डैश x के लिए, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो फिर से चेन रूल चलेगा g डबल डैश x के लिए। जरा बताओ सबसे पहले किससे आप, किससे भिड़ोगे, सबसे पहले आपकी मुलाकात यानी भिड़ंत होगी सबसे पहले आपकी 1 अपॉन समथिंग से, और 1 अपॉन समथिंग होता है तो 1 अपॉन x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, क्या 1 अपॉन x का डिफ्रेंसिएशन सबको पता है क्या, क्या होता है -1/x2। तो सबसे पहले -1/f(g)(x) का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी तो आपने सबसे पहले 1 अपॉन से मुलाकात हुई, फिर अंदर गए f से मुलाकात हुई, तो f का f डैश यानी इस f डैश से मुलाकात हुई, तो इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे f डबल डैश gx,
बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी आप एफ डैश पे पहुंच गए, अब उसके अंदर फिर गए तो उसके अंदर गए तो आपको जी मिला तो जी डैश एक्स, और फिर आप उसके अंदर गए तो एक्स मिला और एक्स का डिफरेंशिएशन वन, तो यहां से हमको मिल गया जी डबल डैश एक्स बराबर माइनस वन अपॉन एफ डैश जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, ये आपका फाइनल आंसर आ गया जी डबल डैश एक्स का। तो क्या सर इसके बेसिस पे क्या इसका इसका कुछ और भी लेन देन है ले सवालों से? तो हाँ बिल्कुल लेन देन है, सबसे जो इंपॉर्टेंट इसका लेन देन है सवालों से, ये तो सिर्फ आपने एफ डैश और जी डैश या आपने जी डबल डैश निकालने के चेन रूल का आपने प्रयोग देखा कि कैसे चेन रूल आपके सामने अपीयर होता है और चेन रूल के थ्रू आप कैसे सवालों को बनाते हैं। लेकिन ये इसका आखिरी और यही आपका अंतिम तरीका नहीं है, ये पढ़ने का असली मकसद ये है कि चौथे पार्ट पे आते हैं और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अगर कभी ये लिखा हो कि जी एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स, या इसका उल्टा कि एफ एक्स इज इनवर्स ऑफ जी एक्स, या इस ये भी लिखा हो एफ एक्स इज या एफ एक्स इज इनवर्स ऑफ जी एक्स, तो इसका दो मतलब होता है कि या तो इसका दो मतलब होता है, देखो दो मतलब होता है कि या तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, या आपका जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यही दो मतलब होता है। इसका मतलब ये मैं लिख सकता हूं कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, और इसको लिख सकता हूं बच्चे मैं कि f of g of x equal to x, बिल्कुल सही है, ये बातें अपन लोग लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसको जरा एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा, f dash g of x into चेन रूल वही g dash x बराबर 1, यहां से g dash x की वैल्यू मिल गई 1 अपॉन f dash g x। अब हमारे आईआईटी भैया किस पे बात करते हैं उसके लिए मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूं, यहां से मिला जी डैश एफ ऑफ एक्स इन टू एफ डैश एक्स इक्वल टू 1, तो यहां से मिला जी डैश एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स। एक बात ये मिली, जब आईआईटी भैया सवाल देते हैं ना तो लगता है कि वो हमसे जी डैश एक्स की मांग कर रहे हैं, किसकी मांग कर रहे हैं, हमेशा जब भी आईआईटी में आज तक सवाल आया है तो उसमें जी डैश या कहीं भी आप सवाल देखेंगे तो जी डैश एक्स की मांग करेगा, क्या बोलेगा जी डैश 2 निकालिए, जी डैश 3 निकालिए, जी डैश 4 निकालिए, ऐसा कुछ लिखेगा, जी डैश 0 निकालिए। तो आपका जी डैश जब लगता है वो मांगता है तो लगता है कि वो सवाल यहां का है, मतलब इस मेथड से निकलेगा, जबकि एक्चुअल में वो सवाल यहां का होता है, जी डैश 2 जी डैश 1 निकालना होता है तो हम सवाल यहां से बनाते हैं, यहां से बनाने का मतलब यहां से सवाल बहुत ही आसान बन जाता है, बहुत इजी तरीका से बन जाता है, मतलब क्या कि आपको सवाल इसके थ्रू चलना है, इस वाले मेथड के थ्रू आपको सवाल को बनाना है। बात समझ में आ रहा है कि जब भी आएगा तो हम कहेंगे कि ये सवाल जो भी रहेगा वो आपको इसके थ्रू यानी इस वाले मेथड के थ्रू अपन लोग हम सवाल को बनाएंगे। जैसे हम आगे एक सवाल लेते हैं, सवाल के थ्रू आपको दिखाते हैं कि कैसे ये चीजें आपके सामने, अगर जी डैश एक्स पूछा या जी डैश समथिंग पूछा है तो हम इसको यूज करेंगे या इसको, अगर इसको यूज करते हैं तो क्या आसानी होगी और इसके यूज करते हैं तो क्या डिफिकल्टी होगी, या इन दोनों में से कौन सा यूज करना हमारे लिए बेहतर होगा और किससे हमारा आंसर अच्छे तरीके से आएगा, तो हम सवाल लेके आपके सामने रखते हैं और अपन लोग इस सवाल पे बात करते हैं। तो आओ सवाल पे देखते हैं बच्चों, सवाल आपके सामने ये लिखा है कि मान लो लिखा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स बाई टू प्लस मान लो कि एक्स स्क्वायर दे रखा है एंड और साथ में दे रखा है कि एंड जी इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स, जी इज इनवर्स ऑफ एफ inverse of f, then find f g dash 1, g dash 1 की वैल्यू क्या होगी। तो एक चीज तो देखो बच्चों अपने पास क्या अवेलेबल है, एक चीज तो है कि g जो है g ऑफ x जो है वो f का इनवर्स है, मतलब f इनवर्स x के बराबर है,
एफ इनवर्स एक्स के बराबर है, ये बात है। तो एक तो अपने पास ये तरीका हो सकता है कि सर ऐसा काम किया जाए कि इस एफ एक्स अपने पास दिया ही है तो एफ डैश एफ का इनवर्स निकाल लिया जाए, एफ इनवर्स निकालने के बाद यहाँ पे रख दिया जाए, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करके एक्स इक्वल टू वन रखते, एक तरीका तो ये हुआ। लेकिन सर इसमें बवाल ये है कि आपको एफ इनवर्स मतलब इनवर्स निकालना पड़ेगा, जबकि हम देख रहे हैं ऊपर जो फंक्शन है उसका इनवर्स निकालना इतना ईजी भी नहीं है, इतना इजी भी नहीं है कि उसका इन्वर्स हम निकाल ले। और यही नहीं, मान लो ये एक्स स्क्वायर की जगह पे और हम चेंज कर देते हैं, मान लो एक्स क्यूब कर देते हैं, तो इन्वर्स निकालना और कठिन हो जाएगा। तो सर हम इसका इन्वर्स तो निकाल नहीं पाएंगे या निकालना इतना कठिन हो चुका है, तो अगर हम इन्वर्स निकालने में अपना टाइम वेस्ट करें या कोई और तरीके से सवाल को आसानी से सॉल्व करें, तो कोई और तरीका मतलब आपका ये पिछला तरीका जो अपने पास अवेलेबल है इसको हम यूज करेंगे, ये दोनों तरीका। बात समझ आ रही है बच्चों? इसको यानी हम इसको यहां से दो बातें हैं कि अगर एफ जी का एफ जी एफ का इनवर्स है तो या तो हम ये लिख सकते हैं या हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी इनवर्स एक्स, ठीक है, या तो ये लिख सकते हैं या तो ये लिख सकते हैं। और ये लिखने का मतलब हुआ कि हम यहां पे लिख सकते हैं कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और यहां से अगर हम कहें तो आप देखो वही बिल्कुल पीछे वाला, देखो ये वाला जो हमने तरीका अपनाया था वही तरीका अपना रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो एफ डैश जी एक्स इज इक्वल टू वन आ गया इंटू जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इज इक्वल टू वन आ गया। यहां से जी डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई वन अपॉन एफ डैश जी ऑफ एक्स, ये वैल्यू आ गई। अच्छा यहां पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आपका बिल्कुल वही बनेगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और एक बार डिफ्रेंशिएट करें तो जी डैश एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन आया इंटू एफ डैश एक्स, सॉरी छूट गया, इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू वन आ गया। यहां पे हो गया जी डैश एफ ऑफ एक्स, जी डैश एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एफ डैश एक्स। तो सवाल देख के ऐसा लग रहा है कि अपने से पूछा है, क्या चीज पूछा है बच्चों? सवाल में पूछा है जी डैश वन, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जी डैश इसके जगह पे वन पुट कर दो या यहाँ पे एक जी डैश एक्स के जगह पे वन पुट कर दो। अगर हम एक्स देखो दोनों में समस्या क्या है कि सर कौन से मेथड से हमारे लिए आसानी पड़ेगी, यहाँ पे अगर हमको जी डैश में एफ एक्स पुट करना होगा तो हमें इस एफ एक्स की वैल्यू वन चाहिए, पहले क्या चाहिए इस पूरे एफ एक्स के जगह पे, ये पूरा एफ एक्स के जगह पे वन होना चाहिए, उसके लिए एक्स ढूंढना पड़ेगा, मतलब इस पूरा एफ एक्स की वैल्यू वन मिल जाए तो उसके लिए अपने को उसको फिर इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करके इसमें उठा कर रख देंगे, ये तरीका हुआ। या यहां पे एक्स इक्वल टू वन पुट करें तो आपका जी एक्स की वैल्यू जो भी जी एक्स होगा तो ऐसा जी एक्स चाहिए कि जी एक्स में ऐसा आपका मतलब ऐसा जी एक्स की वैल्यू चाहिए जिसके लिए इस एक्स के लिए इस एक्स इक्वल टू वन के लिए हमें जी एक्स की वैल्यू चाहिए, मतलब यहां पे जी ऑफ वन चाहिए। अगर यहां से हम बात करें कि सर हम यहां से जी डैश वन निकालें, क्योंकि देखो अगर यहां से हम निकालना चाहते हैं तो जी डैश वन रखेंगे तो यहां पे हो जाएगा वन अपॉन एफ डैश जी ऑफ वन, और जी ऑफ वन का मतलब बच्चों ये हो गया कि हमारे पास जी ऑफ एक्स होगा तभी तो हम जी ऑफ वन निकाल पाएंगे, क्या जी ऑफ एक्स होगा तभी तो हम जी ऑफ वन निकाल पाएंगे, और जी ऑफ एक्स का मतलब एफ इनवर्स एक्स, मतलब एफ का इनवर्स निकालना पड़ेगा और उससे हम बचना चाहते हैं क्योंकि एफ इनवर्स एक्स निकालनी इसका इनवर्स निकालना आसान काम नहीं है, तो यानी इस वाले चीज से हम बचना चाहते। लग ऐसा रहा था कि डायरेक्ट एक्स इक्वल टू वन पुट करो यहाँ पे और डायरेक्ट आपका सवाल दे देगा, लेकिन ये तरीका ये मेथड अच्छा नहीं है, इसको हम कैंसिल कर रहे हैं कि नहीं इससे हम नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि x इक्वल टू वन रखेंगे तो g ऑफ वन आ जाएगा, क्या जाएगा g ऑफ वन हो जाएगा, और g ऑफ वन का मतलब अगेन हमें g ऑफ x निकालना पड़ेगा, g ऑफ x निकालेंगे तभी हम यहाँ पे ले आके आपका x की जगह पे वन पुट कर सकते हैं, या इसी सुविधा अपने पास होनी चाहिए, लेकिन g ऑफ x g ऑफ वन के लिए g ऑफ x चाहिए, g ऑफ x का मतलब इसका इनवर्स चाहिए, उससे हम बचना चाहते हैं। तो सर जी तो दूसरा मेथड क्या होगा, यानी हमको दूसरा कोई और तरीका लगाना पड़ेगा अपनाना पड़ेगा, वो तरीका ये है कि देखो यहां पे हम कह रहे हैं कि इस पूरे के जगह पे वन, यही मैं कह रहा था कि सवाल लगता है कि इधर का आया है, लगता है कि इधर का है लेकिन होता इधर का है, जब आईआईटी में या जब भी इसका सवाल पूछेगा तो लगता है, जब भी आपको सवाल देखेंगे ये तो लगता है कि सवाल इधर का है लेकिन होता इधर का है, उल्टा होता है, जहां का नहीं होना चाहिए वहां का हो रहा है सवाल, ये
क्या एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अपने यानी जी डैश वन चाहिए, मतलब यहां पे क्या हो गया जी डैश वन। अगर हमने यहां पे जी डैश वन लिया तो इस पूरा एफ एक्स की वैल्यू वन आके पुट हो गई। ध्यान से समझ लो बच्चों, अगर एक बार आपने समझ लिया तो आगे के जो भी सवाल कराऊंगा आसान हो जाएगा आपके लिए। इस पूरा एफ एक्स की वैल्यू वन, किसकी वैल्यू वन हो गई जरा देखो तो सोचो तो, यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू वन हो गया। क्या हो गया एफ एक्स मतलब कौन है ये, e की पावर एक्स बाई टू प्लस एक्स क्यूब के जगह पे वन हो गया। तो इस पूरा एफ एक्स के जगह पे वन हो गया, क्या अभी भी यही वाला एक्स, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स सेम है क्या, दोनों एक्स सेम है कि जो एक्स वो है वही एक्स ये है। मतलब अगर हम इस पूरा एफ एक्स के जगह पे वन पुट किए हैं तो जो एफ एक्स को वन दे रहा है वो कौन सा एक्स है, एफ एक्स को वन बनाने वाला कौन सा एक्स है, क्या क्या चाहिए अपने को, एफ एक्स इक्वल टू वन बनाने वाला एक्स चाहिए। ध्यान से देख लो बच्चों, मैंने हिंदी में लिख दिया, एफ एक्स को वन बनाने वाला एक्स चाहिए। बताओ यहां से कौन सा एफ एक्स को वन बनाने वाला एक्स क्या है, वो बहुत ही जो भी सवाल आएगा वो ऐसा आएगा कि आपको हीट एंड ट्रायल से निकल जाए, मतलब आसानी से ऑब्जर्वेशन से निकल जाए, क्योंकि उसको यहां नहीं मेहनत करवानी है, आपको यहां दिमाग लगवाना है उस सवाल वाले को। यहां देखो तो एक्स इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई कर रहा है क्या, एक्स इक्वल टू जीरो पे देखो तो ए की पावर जीरो प्लस जीरो, क्या ए की पावर जीरो की वैल्यू वन हो गई क्या, मतलब x इक्वल टू जीरो काम किया, तो वो वाला x है आपका f डैश जीरो, मतलब x के जगह पे जीरो पुट करेंगे तो इस पूरा fx की वैल्यू वन, मतलब g डैश वन की वैल्यू वन अपॉन f डैश जीरो। और f डैश निकालना आसान है क्योंकि f डैश एक सवाल के हिसाब से fx इक्वल टू दे रखा है e की पावर x बाय टू प्लस x क्यूब, तो f डैश x हो जाएगा आपका e की पावर x बाय टू प्लस x क्यूब इंटू वन बाई टू प्लस थ्री एक्स। बोलो बात समझ में आई बच्चों, थ्री एक्स स्क्वायर। अब वहां पे सीधे उठा के एफ डैश जीरो पुट कर दिया तो ऊपर में तो आ गया e की पावर जीरो प्लस इंटू वन बाई टू प्लस जीरो, आंसर हो गया वन बाई टू, तो वन अपॉन वन बाई टू, तो जी डैश वन की वैल्यू फाइनली आ गई कितना टू। बोलो बच्चों बात समझ में आई, ये तो आपके सामने एक सवाल है, क्या सर ऐसी सवाल एक ही सवाल से काम बन जाएगा, कहां अपना कहां संतोष होने वाला है एक सवाल से, अपने को तो एक से ज्यादा चाहिए ताकि हमको ज्यादा एग्जाम्पल चाहिए ताकि हम अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाए। तो एक और एग्जाम्पल, एक दो और एग्जाम्पल करते हैं, और जैसे कि आपके सामने मान लो कि सवाल ये आया हो, आपके सामने सवाल ऐसे आया हो कि देखो ये सवाल लिखा हो कि इफ एफ एक्स एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, सवाल में दे रखा है मान लो यहां पे ये दिया है तो यहां पे दे रखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड देन फाइंड जी ऑफ ई की पावर थ्री। देखो क्या सवाल दिया है, जी ऑफ ई की पावर थ्री, फिर से क्या यूज करेंगे जरा निकालो बच्चों, जरा आप अपने हिसाब से सोच के बनाओ, मात्र 30 सेकंड का सवाल है, 30 सेकंड से ज्यादा का सवाल नहीं है, 30 सेकंड में आप इस सवाल को सॉल्व करके आप मुझे आंसर बता सकते हैं कि सर क्या आएगा इस सवाल का आंसर। चलो मैं वेट कर लेता हूं 30 सेकंड का, चलो आओ देखो इधर देखो सवाल अपना सोल्यूशन करते हैं। तो अपने पास दो चीज अवेलेबल है, एक चीज मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, एक चीज अवेलेबल है जी डैश एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एफ डैश जी ऑफ एक्स, ठीक है, और एक चीज एक बात अवेलेबल है अपने पास अगेन आपका जी डैश एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एफ डैश एक्स। तो सर जी कौन सा यूज करेंगे, हमने कहा इसको यूज करेंगे, क्यों इसमें क्यों यूज नहीं करेंगे कि सर अगर हमको यहाँ पे जी डैश इसकी जगह पे e की पावर थ्री हुआ, x की जगह पे e की पावर थ्री हुआ तो वन अपॉन एफ डैश जी ऑफ e की पावर थ्री, और अगेन जी ऑफ x जो है एफ एक्स का इनवर्स है तो इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा, इसका इनवर्स बहुत गंदा होने वाला है, बहुत मां कसम बता रहा हूं बहुत गंदा हो जाएगा ये, तो इससे अच्छा है कि इसका यूज नहीं करते हैं, ये बगल वाले का यूज करते हैं। इसका क्या यूज करें कि सर जी अगर ये है अपने पास तो इस पूरे एफ एक्स के जगह पे उठा के डाल देते हैं ई की पावर थ्री इज इक्वल टू वन अपॉन, अब ये अब इस पूरे के जगह पे आएगा ई की पावर थ्री, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर थ्री आएगा,
तो ये हम कहेंगे कि भाई e की पावर 3 बनाने वाला x चाहिए, e की पावर 3 बनाने वाला x चाहिए। अब बताओ e की पावर 3 बनाने वाला x कौन है इसमें, e की पावर 3 बनाने वाला कौन x, तो ये e की पावर x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू e की पावर 3। बोलो x इज इक्वल टू कितना, ऑफ सिंपल ऑब्जर्वेशन है x इक्वल टू 1 आ गया तो यहां से हो जाएगा f डैश 1। और f डैश x निकालना कितना आसान है आपको दिख रहा होगा, f डैश x निकालना इसका कितना आसान है, f डैश e की पावर का डिफ्रेंसिएशन e की पावर ही फिर इनटू आपका इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, उठा कर रख दिया 1 1 अपॉन, जरा देखो तो e की पावर 3 इनटू यहां पे रखा 3 प्लस 2 प्लस 1 6 हो गया, मतलब आंसर हो गया e की पावर माइनस 3 बाई 6 आपका g डैश e की पावर 3। सर जी आपने ये तो सवाल करा दिया, और भी एक आध सवाल करा दो, और एक आध सवाल और आपको आपके सामने रखता हूं, तब तक आप इसको फटाफट नोट कर लें, तब तक मैं आपके सामने एक दो सवाल और रख देता हूं। तो जैसे सवाल मान लो कि ये लिखा हो आपके सामने, फिर से वही बात दोबारा दोहराया जाएगा कि इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर इनवर्स ऑफ इच अदर, इनवर्स ऑफ इच अदर, ये बात फिर से दोहराई जाएगी। एंड आपको दे रखा है, एंड एफ एक्स इक्वल टू सवाल में दे रखा है एक्स प्लस साइन एक्स, देन फाइंड, देखो सवाल वाले ने क्या पूछा, देन फाइंड जी डैश पाई बाई 4 प्लस 1 बाई रूट 2। देखो बच्चों सवाल ने ये कुछ पूछा, वही हमारे पास फिर से वही दो, अपने पास दो चॉइसेस हैं कि किसके थ्रू चले, डी जी डैश एक्स के थ्रू चले या जी डैश एफ एक्स के थ्रू चले। हमने आपके सामने रख दिया है कि भाई अभी तक जो भी चल रहा है वो आएगा जी डैश एफ एक्स के थ्रू ही आएगा, 1 अपॉन एफ डैश एक्स, क्योंकि हम कहीं इंटरेस्टेड नहीं है एफ इनवर्स एक्स निकालने में, किसमें इंटरेस्टेड नहीं है, एफ इनवर्स एक्स निकालने में हम इंटरेस्टेड है ही नहीं, हमको निकालने से मतलब ही नहीं है, हम तो सीधे एफ डैश इसका एफ डैश निकालेंगे, सीधे वैल्यू उठा के पुट कर देंगे। लेकिन सवाल में कहा है कि जी डैश और यहां पे पाई बाई 4 प्लस 1 बाई रूट 2, मतलब सवाल कह रहा है कि इस पूरे एफ एक्स की जगह पे आज की दुनिया में आके बैठ गया पाई बाई 4 प्लस 1 बाई रूट 2, मतलब क्या हुआ, एफ एक्स की जगह पे देखो मैं अलग से रख रहा हूं, एफ एक्स की जगह पे आके बैठ गया पाई बाई 4 प्लस 1 बाई रूट 2, मतलब इसको बनाने वाला एक्स चाहिए, मतलब ऐसा एक्स चाहिए जो इसको क्रिएट कर दे, मतलब एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस 1 बाई रूट 2 कर दे। और कौन सा ऐसा एक्स है जरा देख के बता दो बच्चों, एकदम मतलब क्लास 2 का बच्चा बता देगा कि सर एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 होगा, क्या होगा, एक्स इक्वल टू पाई बाई 4, पाई बाई 4 रखते पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2, मतलब यहां पे आएगा 1 अपॉन एफ डैश पाई बाई 4। जरा इसका एफ डैश एक्स बता दो बच्चों, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, उठा के रख देंगे पाई बाई 4, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस पाई बाई 4, और कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू होती है रूट 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2, रूट 2 ऊपर चला गया उड़ के, आ गया रूट 2, नीचे में बच गया रूट 2 प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया जी डैश पाई बाई 4 प्लस 1। तो ध्यान देना बच्चों जी बाई पाई बाई 4 1 प्लस 1 अपॉन रूट 2, ध्यान देना कि ये जब भी सवाल आएगा तो सवाल दूसरे साइड वाला होता है, डायरेक्ट इस साइड का ना होकर सवाल दूसरे साइड का होता है। तो इस कैटेगरी का हमें लगता है हमने सफिशियंट क्वेश्चन करा दिया है, बाकी सवाल और आपको सवाल जहां भी मिलेंगे, चाहे वो आईआईटी के पेपर में देखो पिछले पुराने साल का पेपर आप सॉल्व करेंगे उठाएंगे तो मिलेगा ऐसे सवाल, पक्का आया हुआ है मुझे याद है अभी भी, और आपका किसी भी किताब में सवाल उठाएंगे तो ऐसे चीजें आपको मिलेगी, जेई मेंस का फेवरेट चीज है, कभी भी पूछ लेता है, मतलब जब आजकल तो जो आपको 4, 5 या 8 जो पेपर हो रहे हैं उनमें से किसी भी दिन में पेपर उठा के ऐसा एक आध सवाल जरूर पूछ लेता है, ठीक है। तो आओ बच्चों अब जरा नेक्स्ट अपने कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, अब बच्चों अब थोड़ा सा ना लेवल बढ़ाते हैं, अभी तक बहुत आसान आसान सवाल कर लिया, बड़ा मजा कर लिया, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते 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 एमओडी का लेवल पे पहुंचते हैं। ऐसे मान लो एक सवाल मैं सामने आपके लिख रहा हूं कि क्वेश्चन है कि इफ एफ एक्स इज अ 3 डिग्री पॉलिनोमियल एंड
और दे रखा है आपसे कि एंड एफ ऑफ जीरो इक्वल टू चार, एफ डैश जीरो इक्वल टू तीन, एफ डबल डैश जीरो इक्वल टू चार, एफ ट्रिपल डैश जीरो इक्वल टू छ, एफ ट्रिपल डैश जीरो इक्वल टू छ, और मान लो आपके सामने और भी अगर मान लो दे दे, देन फाइंड। अच्छा तब मान लो पूछ लिया कि देन, तब आपको बताना है देन फाइंड एफ डैश, मान लो टू पूछ लिया, एफ डैश टू की वैल्यू बता दो कितना होगा। तो बच्चों देखो बात ये है, ज्यादा कैलकुलेशन गंदा हो जाए और आसान बनाने के लिए एफ डैश वन या एफ डैश माइनस वन पूछ लिया, एफ डैश वन पूछ लिया मैंने कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो आपका सामने ये लिखा हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू तीन डिग्री पॉलिनोमियल है, तो हमको सबसे पहले सोचने की जरूरत है कि सर आपने यहाँ पे लिखा है एफ एक्स इक्वल टू तीन डिग्री पॉलिनोमियल, तो तीन डिग्री पॉलिनोमियल होती कैसे है, पहले उसका चित्र देखो कि होती कैसे, पहले उसको समझो, दिमाग में रियलाइज करो कैसा होता है वो। ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, क्या यही थ्री डिग्री पॉलिनोमियल होता है क्या? बिल्कुल परफेक्ट है। फिर सवाल में आपका एफ ऑफ जीरो का ही दे रखा है, देखो ये एफ ऑफ जीरो दे रखा है, एफ डैश दे रखा है, एफ डबल डैश दे रखा है, एफ ट्रिपल डैश दे रखा है, मतलब हमको सारा का सारा निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो जरा एक यही भी काम कर लेते हैं, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा थ्री ए एक्स स्क्वायर, थ्री ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। अच्छा एफ डबल डैश एक्स भी निकाल लेते हैं लगे हाथ, तो ये हो जाएगा आपका सिक्स एक्स, सिक्स ए एक्स सॉरी सिक्स ए एक्स प्लस टू बी। अब अच्छा एफ ट्रिपल डैश की भी जरूरत है तो उसको भी लगे हाथ निकाल लेते हैं, ये आया सिक्स ए। जरा देखो तो बच्चों इसमें से अपने को एफ ऑफ जीरो पूछ रहा है, यही के यही एफ ऑफ जीरो डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, मतलब एक्स के जगह पे जीरो पुट कर लें, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू यहाँ पे सीधे डी हो जाएगा और सवाल में दे रखा है चार, तो डी बराबर हो गया फोर। एक बात आपको मिल गई, हमने लिख दिया यहीं पे उसको ब्रैकेट में डाल लिया, यहाँ पे आपका एफ डैश जीरो बराबर सवाल में दे रखा है तीन, यहाँ पे आया है आपका एफ डैश जीरो बराबर सी, तो सी डालते ही ये आ गया तीन बराबर सी। जरा देखो तो बच्चों दूसरा आ गया, तीसरे को यूज किए एफ डबल डैश जीरो भी सवाल में दे रखा है, यहाँ पे एफ डबल डैश जीरो टू बी हो गया, ये हो गया चार बराबर टू बी, मतलब बी बराबर दो, ये भी एक आ गया, इसको भी हमने गोला बना लिया। और तीसरा आपका एफ ट्रिपल डैश जो चौथा दे रखा है, एफ ट्रिपल डैश जीरो दे रखा है, वो दे रखा है सिक्स ए, इसका मतलब इसकी वैल्यू दे रखा है छ, तो हो जाएगा सिक्स ए, यहाँ से ए इक्वल टू देखो आपका आ गया वन। बोलो बच्चों आ गया समझ में, आ गई बात, अपने पास ए बी सी डी सब आ गया, मतलब ऐसी चीज आ गया कि यहां से हम पॉलिनोमियल ये लिख सकते हैं। पॉलिनोमियल क्या लिख सकते हैं, जो अपने पास ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी था, हमने फटाफट पॉलिनोमियल लिख लिया ए की जगह पे। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपका आंसर सही आया होगा, एक्स क्यू बी के जगह पे आई है आपका टू, तो टू एक्स स्क्वायर प्लस सी के जगह पे तीन है, तो तीन एक्स प्लस डी के जगह पे चार है, तो ये हो गया। अब जरा देखो एफ डैश एक्स वही बात है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस तीन, और एफ डैश वन की वैल्यू शायद पूछ रखा था वन या माइनस वन, जो भी पूछ रखा उठा के डाल दिया, थ्री प्लस फोर प्लस थ्री। बोलो एफ डैश वन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, चार तीन सात और एक आपका प्लस थ्री टेन, एफ डैश टेन। अगर एफ डैश माइनस वन भी पूछता या एफ डबल डैश माइनस वन पूछता तो हमारे लिए कौन सी बड़ी चीज है, हम इसको फिर से एफ डबल डैश एक्स निकालते और आपका हो जाता सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर, और यहां से एफ डबल डैश माइनस वन की वैल्यू हो जाती छह प्लस फोर, यानी फिर से अगेन टेन। बोलो बात समझ में आ रही है बच्चों, कोई दिक्कत आपको समझ आया कि नहीं? ये तो सवाल आपके सामने, थोड़ा सा और इस सवाल का लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और, मतलब ये एक सवाल हो गया, थोड़ा सा और लेवल बनाते हैं। लाइक मान लो सवाल कह रहा है, देखो सवाल कह रहा है, मैं यहाँ पे सवाल लिख रहा हूँ, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं, ये आपका हमको उम्मीद है सबका ये आंसर सही आया होगा। अब सवाल मान लो आपके सामने ये कह रहा है कि अगर कोई एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स है, एफ एक्स इज अ टू डिग्री पॉलिनोमियल, मतलब क्वाड्रेटिक दे रखा है, टू डिग्री पॉलिनोमियल का मतलब क्वाड्रेटिक दे रखा है, एंड आपका दे रखा है एफ ऑफ वन इक्वल टू एफ ऑफ माइनस वन, मतलब वन पे और माइनस वन पे वैल्यू सेम आ रही है, मतलब जो भी पैराबोला या जो भी क्वाड्रेटिक में पॉलिनोमियल बन रहा है उसकी दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम जगह सेम वैल्यू दे रहा है। फिर आगे लिखा है एंड कोई तीन नंबर है एल एम एन आर इन ए पी, देन आपसे सवाल कह रहा है कि देन
एफ डैश एल, एफ डैश एम, एफ डैश एन किस में होंगे, आर इन किस में होंगे, एपी में होंगे या जीपी में होंगे या एचपी में होंगे या नॉन, आप दीजिए पहला ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन या तीसरा ऑप्शन या चौथा ऑप्शन, कौन वाला ऑप्शन करेक्ट होगा सवाल में आपकी तरफ से दे रखा है। फिर से वही बातें हैं भाई, टू डिग्री पॉलिनोमियल बोला है, मतलब कि हमको टू डिग्री पॉलिनोमियल लिखने की जरूरत पड़ेगी और बाकी जो कंडीशंस होगी उसका हमको यूज करना पड़ेगा। हम लिख लेते हैं कि लेट टू डिग्री पॉलिनोमियल जो होगा, बताओ बच्चों टू डिग्री पॉलिनोमियल क्या क्या होगा, हो जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इतना तो हमने लिख लिया अपने मन से, इतना हमारे पास स्वतंत्रता थी लिखने की, लेकिन क्या इसके बाद भी बात खत्म हो जाती है क्या? नहीं सर, इसमें आपका एक और चीज दे रखा था, एक और कंडीशन दे रखा था, क्या एफ ऑफ वन इक्वल टू एफ ऑफ माइनस वन, मतलब वन और माइनस वन पे वैल्यू सेम दे रहा है तो उठा कर रख दिया, तो यह ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी, ए से सी, सी से सी कट गया, बी इधर आके बन गया टू बी इक्वल टू जीरो, मतलब बी बराबर जीरो, बी इक्वल टू जीरो हो गया, तो अब हमारे पास पॉलिनोमियल क्या हो गया, मैं ये बीच वाला पोर्शन हटा देता हूँ बच्चों, देखो तो मैं ये बीच वाला पोर्शन हटा दिया, पॉलिनोमियल हमारे पास क्या हो गया, तब पॉलिनोमियल हो गया, तो देयरफॉर पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू हो गया आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब जरा देखो अपने पास एफ डैश की मांग किया है, कहीं ना कहीं सवाल में देखो ध्यान से, तो एफ डैश एल, एफ डैश एम, एफ डैश एन मांगा है, तो हम एफ डैश एक्स निकालेंगे, हो जाएगा टू ए एक्स, मतलब एफ डैश जो एल होगा वो हो जाएगा टू ए एल, एफ डैश एम जो होगा वो हो जाएगा टू ए एम, एंड एफ डैश जो एन होगा वो हो जाएगा टू ए एन। ठीक है, अब यहां से लेकिन सवाल में एक बात गिवन है, एल एम एन किस में है, एपी में, और हम एक हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि एपी में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो या किसी नंबर को जोड़ो या किसी नंबर को आप घटाओ तो एपी का कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो अगेन आने वाली जो सीरीज होती है वो एपी में ही रहती है। इसमें हमने टू ए से पूरे में मल्टीप्लाई किया, टू ए एल, टू ए एम, टू ए एन, मल्टीप्लाई करने के बाद बोलो ये वाली चीज क्या आ गई है, क्या यही आपका एफ डैश एल है, ये भी आपका एपी में हो गया, और ये भी आपका एफ डैश एन है, और ये आपका एफ डैश एन है, ये भी किस में हो गया, एपी में, तो आंसर क्या हो गया, आंसर एपी हो गया। पता है क्या होता है, कई बार ऐसा हम मान लेते हैं, जैसे छोटा मोटा एग्जाम हो ना, एनडीए संडीए टाइप का, और ये क्या बोलते हैं, जेई मेंस लेवल टाइप तक भी अगर एग्जाम आता है तो जो दिया हो वही हो जाता है, मतलब दिया हो क्या एलिमेंट एपी में, आंसर जो भी पूछ रहा हो एफ डैश वो भी एपी में हो जाएगा, एलिमेंट जीपी में, एफ डैश जीपी में हो जाएगा। जैसे देखो अगला सवाल में देता हूं, तो आपके सामने छोटे मोटे एग्जाम आईआईटी एडवांस, अगर आईआईटी पूछा, देखो हम तो आईआईटी उसी को मानते हैं जो एडवांस पेपर है, बाकी मेंस तो आईआईटी नहीं, वो तो सिर्फ आईआईटी में बैठने लायक आप बनते हो, मतलब आईआईटी का जो एडवांस है, सोचो एडवांस या आईआईटी वो है कि आप जब मेंस निकालोगे तो सिर्फ उस परीक्षा में बैठने लायक बनोगे, बाकी आईआईटी तो असली एडवांस होता है। तो एडवांस में जब आएगा सवाल तो आपको ऐसा मत कहना कि जो दिया है वही हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, उस समय आईआईटी वाला बैठ के बनाया है, सोच के इत्मीनान से सवाल बनाता है, उसके पास टाइम होता है सवाल बनाने का, तो वो ऐसा बनाएगा कि वो देगा एलिमेंट एपी में और उसका आ जाएगा, हो सकता है एचपी आ जाए, वो ऐसा सेट करेगा सामने वाला सवाल की। तो अगले सवाल की तरफ आते हैं, थोड़ा सा लेवल और अप करते हैं। मान लो सवाल आपके सामने लिखा है कि इफ एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, एफ एक्स इज पॉलिनोमियल सेटिस्फाइंग, आपको सेटिस्फाई कर रहा है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स। ये चीज देखते ही आपके दिमाग का नस एकदम एक एक नस एक्टिव हो जाना चाहिए कि सर ये तो देखे हैं फंक्शन में, ये तो सिस्टम एकदम मतलब फिक्स पैटर्न वाली चीज है हम देखे हैं। तो अगर एफ एक्स इसको सेटिस्फाई कर रहा है एंड कंडीशन दे रखा है एंड एफ ऑफ फोर इक्वल टू मान लो 65 दे रखा है, देन आपसे पूछ रहा है, देन
एंड और भी मैं इसमें देता हूं एंड, मान लो यही दे रखा है कि एल एम एन आर इन जीपी, ये आपका जीपी में है, देन आपसे पूछ रहा है कि देन एफ डैश एल एफ डैश एम एफ डैश एन किस में होंगे, आर इन किस में हो जाएंगे, पहला ऑप्शन अगेन एपी, दूसरा आपका जीपी, तीसरा आपका एचपी, चौथा आपका नन ऑफ दीज किस में हो जाएगा, ये आपका अगेन ऑप्शन आ गया। तो फिर से वही देखो हमारे हिसाब से क्या होगा, एल एम एन जीपी में दिया है तो इसका जो दिया है वही हो जाएगा आंसर, जीपी होना चाहिए। पर यहां बैठ के मैं बेवकूफ बनाने के लिए तो हूं नहीं, आपको पढ़ाने के लिए, इसको दिखाने के लिए कि सर दिखाओ कैसे होगा। तो सबसे पहले याद करो कि अगर ऐसा कुछ होता है, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें एफएक्स को हम क्या लेते थे, हमने कहा था एफएक्स को याद कर लेना फंक्शन के टाइम पे, वन प्लस माइनस एक्स की पावर एन। तो सर ये प्लस या माइनस कौन लेना है, डिसाइड कैसे होगा, ये डिसाइड करने के लिए कौन बैठा होता है, सवाल में दिया होता है डिसाइड कौन सा होगा। यहां से दो बातें पता चली कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स की पावर एन होगा या एफ एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स की पावर एन होगा। लेकिन सवाल में एक बात दिया है, देखो सवाल में एक चीज गिवेन है, क्या एफ ऑफ फोर इक्वल टू 65, जरा रख के देखते हैं, वन प्लस एक्स की पावर यानी वन प्लस फोर की पावर एन इज इक्वल टू 65, तो फोर की पावर एन इक्वल टू 64, यहां से एन इक्वल टू मिल गया फोर की पावर थ्री, तो यानी एन इक्वल टू मिल गया थ्री, यानी सर या तो एन इक्वल टू थ्री यहां से मिल गया, दूसरे वाले से रख के देखा जाए कि एफ ऑफ फोर इक्वल टू 65, यानी ये आपका हो गया कितना, वन माइनस 4 की पावर n इक्वल टू 65, ये उधर जाके बन गया माइनस 4 की पावर n इक्वल टू 64, तो 4 की पावर n यानी क्या, अब जरा देखो तो इधर में एक निगेटिव नंबर इधर में एक पॉजिटिव नंबर, क्या बराबर हो सकती है क्या, कभी कभी नहीं, इधर से कुछ नहीं मिलेगा, मतलब n इक्वल टू 3 और आपका 1 प्लस x की पावर n यानी यही वाला आपका फंक्शन हो जाएगा, उसमें एन के जगह पे तीन आ गया, ठीक है एन के जगह पे तीन आ गया, मतलब हमारे पास तो एफ एक्स मिल चुका है, इसको मैंने हटाया, अपने पास एफ एक्स तो आज के दिन पे मिल चुका है, क्या मिला है एफ एक्स जरा देखते हैं, एफ एक्स अपने पास आज के दिन में है वन प्लस एक्स के पावर थ्री, एन के जगह पे कितना आया है थ्री, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला। अब सामने से बोला है एल एम एन जीपी में है और एफ डैश की बात किया है, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, यहां से एफ डैश एल हो जाएगा थ्री एल स्क्वायर, एफ डैश एम हो जाएगा थ्री एम स्क्वायर और एफ डैश एन हो जाएगा थ्री एन स्क्वायर, ठीक है इतने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गिवेन क्या है, देखो बच्चों गिवेन क्या है, एल एम एन किसमें है, ये तीनों जीपी में है, किसमें है ये जीपी में है, जरा बोलो किसी जीपी में होने वाले टर्म का, किसी जीपी में होने वाले टर्म का अगर हम बात करें तो आपका उस केस में एलिमेंट अगर जीपी में तो उसके हर टर्म को स्क्वायरिंग किया जाता है, स्क्वायर किया जाए तो स्क्वायर करने पर भी वो जीपी में ही रहती है टर्म, यानी ये एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर किया जाए तो ये जीपी में ही रहती है, क्यों भाई, क्योंकि एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर की जरूरत है यहाँ पे, फिर तीन से मल्टीप्लाई करो तो किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करो तो भी वो जीपी में ही रहता है, तो क्या हो जाएगा जरा देखो एफ डैश एल है ये भी एफ डैश एम है और ये एफ डैश एन है, देखो मैंने पहले ही बोला था जो दिया है वही क्या आंसर जीपी में आ गया, क्या हमने पहले बोला, जैसे देखो ये कैसे वाला मैं बात बोल रहा हूं, जैसे चार दो चार और आठ, जरा देखो तो ये जीपी में है, इसका स्क्वायरिंग करो चार सोलह चौसठ, देखो तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 256 और 64 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 256, तो ये आपका अगेन जीपी में है, तो अगर कोई टर्म्स जीपी में होते हैं स्क्वायर करने पे भी वो जीपी में ही रहते हैं, भले कॉमन रेशियो बदल जाए लेकिन स्टिल दे आर इन जीपी, बात समझ में आ रही है। तो ये आपका है तरीका, यानी आपने जो दिया है उसी के बेसिस पे हमने कहा कि वही चीज हो जाएगा। और अब थोड़ा सा और अपने सवालों का लेक्चर, ये तो आपका सवाल में कुछ कुछ लेवल बढ़ा रहा हूं, अब जैसे सवाल थोड़ा और आगे बढ़ेंगे थोड़ा और लेवल बढ़ा हैं और सवालों की तरफ मूव करते हैं, जरा इसको बोर्ड को साफ किया जाए और मूव किया जाए अगले सवालों की तरफ बच्चों।